ये क्वेश्चन है x इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर। और ये हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, मतलब दो अलहदा अलहदा फंक्शन दिए हुए हैं, हमने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। वाई से हमें डी वाई और एक्स वाले फंक्शन से हमें डी एक्स मिलेगा, और हम चेन रूल की मदद से फिर उसे उसमें से डी वाई और डी एक्स फाइंड कर पाएंगे। तो पहले अलहदा अलहदा इनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एक्स वाला फंक्शन लिखा, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर और वन प्लस टी स्क्वेयर। तो क्योंकि फंक्शन में ये देखो टी टी यूज़ किया हुआ है उन्होंने वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, मतलब ये डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी। ये ए कॉन्स्टेंट होता है, ए को शुरू में लिख दिया, कॉन्स्टेंट को शुरू में हमेशा लिखते हैं। तो जब पावर मतलब ये बटे की फॉर्म में हो और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो इस ऊपर वाले का मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स है और नीचे वाले का मतलब है कि ये जी ऑफ एक्स है। तो हम कोशेंट रूल यूज़ करते हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, मतलब जी ऑफ एक्स का स्क्वायर नीचे जो दिया हुआ है वो है जी ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ये इस तरह ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखें, जी ऑफ एक्स का स्क्वेयर है जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ये ऊपर लिखा हुआ है। फिर आगे इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव फाइंड करने से ये देखें जो डेरिवेटिव के बाद में लिखा हुआ है ना, ये और ये, इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना है और पहले वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इस तरह करते हैं, नीचे वाला एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, और डेरिवेटिव माइनस का टी स्क्वेयर है, डेरिवेटिव माइनस का मतलब ये माइनस तो माइनस से ही रहेगा, और क्योंकि डेरिवेटिव में पावर को शुरू में लेते हैं और उसमें से एक कम करते हैं, तो इसकी पावर टी की पावर 2 थी, तो अब टी की पावर 1 माइनस 2 टी आएगा इसका डेरिवेटिव, और दूसरे का टी स्क्वेयर है इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करना है टी स्क्वेयर का, तो ये पॉजिटिव है तो ये डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं। ये पावर को शुरू में ले आएंगे और उसमें से कम करेंगे, 2t आया, 2t को इसके साथ और इसके डेरिवेटिव को इसके साथ ऐसे लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने से इसका जो जवाब आया, इन दोनों का जो जवाब आया उनमें ये माइनस अप्लाई कर देनी है। माइनस अप्लाई करने से माइनस 2t और पॉजिटिव 2t हो जाएगा, इनको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे। अब प्लस माइनस जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर क्योंकि आया है माइनस 2t, माइनस 2 का क्यूब माइनस 2t प्लस 2t, ये प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 4t आएगा, माइनस का 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4। ए भी अब इनके साथ शामिल हो गया, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस का 480 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, ये हमें क्या मिला है, डी ओवर, ये देखें डी एक्स ओवर डी टी का जवाब है, ये डी एक्स, ये है डी एक्स ओवर डी टी का। अब डी वाई की तरफ चलते हैं, मतलब हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है वाई, y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, इसमें 2 और b दोनों कॉन्स्टेंट हैं, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि ये देखें वेरिएबल इसमें t यूज़ किया हुआ है, तो दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, d ओवर dt, d ओवर dt। जो कॉन्स्टेंट होता है वो तो वैसे भी डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने 2b यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे बाकी क्या बचा, टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये बचा इतना। ये क्योंकि बटे की फॉर्म में है, तो इस ऊपर वाले का मतलब है कि ये एफ ओफ एक्स है और नीचे वाले का मतलब है कि ये जी ओफ एक्स है। तो इसमें इसको सोल्व करने के लिए कोशेंट रूल लगाते हैं। कोशेंट रूल पहले भी मैंने इसी क्वेश्चन में बताया है आप लोगों को, ये वाला है कोशेंट रूल, जी ओफ एक्स का स्क्वेयर जी ओफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ओफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स।
ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, कोशेंट रूल इसे कहते हैं। ये मतलब नीचे वाले का स्केयर और उसे एज इट इज़ यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स यहाँ पे, माइनस जो यहाँ पे लिखा वही दोबारा यहाँ पे लिखना है, वो डेरिवेटिव से पहले ये डेरिवेटिव, फिर जो यहाँ पे लिखा था ना जी ऑफ एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, इनका डेरिवेटिव सोल्व करेंगे इसका भी, और जो आंसर आएगा उसे पहले वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो टू बी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। टी का डेरिवेटिव वन आया और वन प्लस टी स्केयर का टू टी, इसको टू टी को टी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और टू बी एज इट इज़ रहेगा इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वही आएगा, और दरमियान में जो माइनस की माइनस का साइन है वो अंदर इधर अप्लाई हो गया, माइनस टू टी स्केयर आया यहाँ पे, माइनस टू टी स्केयर से वन टी स्केयर गया तो ये टी स्केयर आया, मैंने यहाँ पे दोबारा वही लिख दिया था। टू बी वन, ये इसमें से माइनस का टी, क्योंकि माइनस में से बच रहा है टू, माइनस का टू टी बड़ा है और ये छोटा है, तो माइनस माइनस इसके साथ रहेगा, वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल का स्केयर, ये जवाब आया है डी वाई ओवर डी टी का। तो चेन रूल लगाते हैं, चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल का फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी, डी टी ओवर डी एक्स। ये देखें अगर इन दोनों को काट दें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स ही आएगा। अब डी वाई ओवर डी टी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ हमने सॉल्व किया है, ये डी वाई ओवर डी टी है हमारे पास, ओ टी था तो ये तो टी डी टी ऊपर है और डी एक्स नीचे है, तो हम उसे चेंज कर मतलब उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे था डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पे डी टी ऊपर है और इसलिए हमने इसको उल्टा करके यहाँ पे लिखा है, पुट किया है इसकी वैल्यू। टू बी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वहाँ पे डी वाई, ये डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है और ये डी एक्स ओवर डी टी की है, डी एक्स ओवर डी टी, तो इसलिए हमने इसे चेंज करके लिखा है यहाँ पे। टू बी वन माइनस टी स्केयर ओवर वन प्लस टी स्केयर होल का स्केयर मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके लिखा माइनस फोर एटी, ऊपर आया था तो इधर नीचे लिखा माइनस फोर एटी वन प्लस टी स्केयर का स्केयर, तो टू टू से कैंसिल हो गया, टू टू वन द टू, टू टू द फोर, ये स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा बी, बी माइनस का बी ओवर ये वाला माइनस इधर लगाया है मैंने, नीचे वाला माइनस मतलब शुरू में लगा दिया, बी वन माइनस टी स्केयर ओवर यहाँ से टू बचा था ना टू ए टी, यही इसका आंसर है। थैंक यू।